मिस्टर बीन के बारे में तीन ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद आप भी कहोगे क्या बात है। नंबर वन, मिस्टर बीन को शुरुआती दौर में कई शोज और चैनल ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मिस्टर बीन को बचपन से ही स्पीकिंग डिसऑर्डर था। स्पीकिंग डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को लगातार बोलने में दिक्कत होती है और उनकी इन्हीं बीमारी की वजह से उन्हें कई चैनल ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद का एक शो स्टार्ट किया था जिसका नाम था मिस्टर बीन। नंबर टू, एक बार मिस्टर बीन अपने पूरे परिवार के साथ एक प्राइवेट जेट में सफर कर रहे थे, लेकिन सफर के दौरान उनका पायलट किसी कारण के चलते बेहोश हो गया, जिसके बाद मिस्टर बीन ने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के एरोप्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया था और जब तक कि वो पायलट होश में नहीं आया तब तक मिस्टर बीन ने उस प्लेन को संभाले रखा था। नंबर थ्री, तो दोस्तों क्या आपको पता है कि मिस्टर बीन के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो हुआ कुछ यूं था कि उन्होंने एक बार ब्रांड न्यू कार मैक्लारेन F1 खरीदी थी और लेने के कुछ समय बाद वो कार मिस्टर बीन से खराब हो गई थी, जिसके बाद मिस्टर बीन ने उस कार को रिपेयरिंग के लिए भेजा, जिसके बाद कार जब रिपेयरिंग होकर आई तो उस कार का बिल 10 करोड़ रुपए का बन गया, जो कि दुनिया का सबसे महंगा कार रिपेयरिंग।